माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली मैंने चांद देख लिया। और ये देखिए चांद। सो चांद रात हो चुका है और आप लोग अभी चांद रात को निकल रहे हैं रात देखने के लिए, कैसा नजारा है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ है मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है चांद रात और आप सभी को चांद बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ भी चांद रात का वीडियो शेयर किया जाए और थोड़ा बहुत बाहर का व्यू और घर का भी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आखिर तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। चांद हो गया, चांद गया। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली मैंने चांद देख लिया। ये देखिए चांद। अब आ गए हैं जमील और अलम को लेकर। चांद नजर आने के बाद जमील और अनम जो है वो आ गए हैं मस्जिद से। तो इस बार मैंने जैसे भी सिंपल में मेहंदी लगा लिया है और अब ये सूख भी गया है। मैं जा रही हूँ इशा की नमाज पढ़ने, उसके बाद थोड़ा बहुत घर को सेट वगैरह करना है, उसके बाद शायद बाहर जाऊंगी कुछ कुछ सामान लेना है और चांद रात का व्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कर रही हो गई तैयारी? बस नमाज पढ़ के निकलेगा। सोफा कवर लग गया। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ काम जो है वो कर ली हूँ, कुछ कुछ बाकी है और बाहर में अनम, जमील और अम्मी सभी मिलकर बाकी जगह का पर्दा लगा रहे हैं और अभी सब तैयारी में लग चुके हैं। यहाँ पे जमील है और अनम भी इधर ही कहीं थे। अनम, ये रहे अनम। और यहाँ जमील क्या हो रहा है? जमील भी यहाँ पर्दा लगा रहे हैं और ये आ गया अनम ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह, हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो चांद रात हो चुका है और आप लोग अभी चांद रात को निकल रहे हैं रात देखने के लिए, कैसा नजारा है। और बाकी नाज़िया बताइए। और आपके साथ भी शेयर करने के लिए, हाँ वही चांद रात का भी। तो पहुंचते हैं उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम आ गए थे अब्बू के शॉप पर, जहाँ से जनाब को लाइट लेना था घर पे लगाने के लिए। माशाल्लाह ये देखिए, ये है दो नंबर की मस्जिद, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का रौनक। और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो नंबर मार्केट का पूरा व्यू। आज चांद रात है और चांद रात के मौके पर देखिए यहाँ पर जो दो नंबर के अंदर मार्केट है उसमें गाड़ी वहाँ ले जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पैदल जो मार्केटिंग करते हैं उन लोगों को मुश्किल होती है। बहुत अच्छा की बात है, लेकिन ना दुकान को बढ़ाना चाहिए। बोलिए गलत बोल रहे हैं? दुकान को ना और ज़्यादा मतलब शॉप करना चाहिए, कपड़ा का वैरायटी। वो नहीं पता, मुझे बाइक अंदर जाना मना कर दिया, आराम से शॉपिंग कर सकेगा। हाँ वो तो बहुत अच्छा है, शॉपिंग करें बाइक से। हीरा ले ले। अभी मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर जनाब जो है वो लाइट वगैरह जो लेकर आए हैं वो देख रहे हैं क्या कुछ कहाँ क्या लगाना है। ये देखिए, ये है सुबह ईद के लिए, बड़ा के लिए दाल।
अभी जनाब जो है वो दही वगैरह लाने के लिए गए हैं और मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पर चावल बना था, जब तक मैं गोश्त और रोटी खा ले रही हूँ। तो अभी देखिए लगभग मेरा काम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए। काफ़ी लेट हो गया है लेकिन मैं सोची क्यों ना आज चांद रात को जो वीडियो है वो अपलोड करके ही सोऊं। जनाब भी सामान लेकर आ गए हैं और ये देखिए फ्रिज में रख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को इंकरेज करती हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।